तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल नानू राहुल ब्लॉग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हमारे नए दिन की शुरुआत हो रही है। सुबह के 9:30 बजे से हमारी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। बाकी नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है। फिलहाल मैं आपको पहले यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। हिमाचल का काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है। चलती हूँ बाहर का मौसम कैसा है। और पीछे आप रूम से देख सकते हैं, अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। बाकी थोड़े बहुत कपड़े इसको मैं मशीन में डाल दूँगी, तब तक आपको मैं ले जाती हूँ थोड़ा बाहर पे ले जाती हूँ और बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बाहर तो धूप लग रही थी मस्त वाली, उतनी कड़क धूप भी नहीं लग रही है, क्योंकि कड़क धूप लगेगी। सुबह के 10 बजे का मौसम आप देख सकते हैं दोस्तों, हिमाचल का काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है। बिल्कुल एकदम देख सकते हैं, एकदम बादल भी ठीक ऊपर आ रखे हैं। आज लग रहा है शाम तक बारिश हो जाएगी, बट बारिश तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ का मौसम तो हमेशा ऐसे ही रहता है। ऊपर पहुँच चुकी हूँ, यहाँ पे ऊपर वाले रूम पे देख सकते हैं आप, ये हमारा फर्स्ट रूम है, सेकेंड रूम है हमेशा की तरह। बाकी पीछे से कीड़ों की आवाज़ आ रही है, तो आपको ले चलती हूँ। कैमरा उतना साफ नहीं आ रहा होगा, बट ऐसा है कुछ सुबह का मौसम। आज थोड़ा धूप थोड़ा कमी लगी है। बाकी ब्लैंकेट वगैरह बाहर रख दिया है और नाश्ता तो हम दोनों ने सुबह ही कर लिया था। नाश्ते में हमने आज बनाया था फ्राइड राइस, हस्बैंड जी ने बनाया था। बाकी देख सकते हैं आप पीछे का लोकेशन, मस्त लोकेशन है दोस्तों। ये सुबह के हमारे वो तो दोस्तों, अभी हस्बैंड जी जा रखे ऊपर गढ़खल मार्केट बोर्ड लगाने। ये जो हमारा रिजॉर्ट है तो इसका बोर्ड लगा देंगे और इसकी ओपनिंग भी हो गई है। फिलहाल सर लोग अभी इस पर काम कर ही रहे हैं, मतलब ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन विजिट, मतलब जैसे वो है क्या बोलते हैं उसको, लोकेशन डाल रहे हैं ऑनलाइन। और बाकी जब रूम लग जाएगा आपको दिखाई लेंगे। तो यहाँ पे मतलब दिसंबर के टाइम में यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, मतलब यहाँ पर तो क्या ऊपर गाँव में। तो बाकी अभी सुबह का मौसम बिल्कुल मस्त हो रखा है। तो चलते हैं, अब दिखाते हैं कुछ नीचे रूम की तरफ क्या करना है क्या नहीं करना, किचन में थोड़ा काम है। तो दोस्तों, सुबह का मौसम तो आपने देख लिया होगा, तो इसी बीच चलते हैं अब नीचे रूम वो किचन की तरफ, देखते हैं क्या। तो चलते हैं दोस्तों अब नीचे, देखते हैं किचन में क्या करना है। बाकी दोस्तों देख सकते हो यहाँ ना हिमाचल का मौसम बिल्कुल पता नहीं होता कि कब धूप लगती है, कब बारिश होती है, कब बादल लगते, देख सकते हैं थोड़ी देर पहले बादल लग रखा था ऊपर अच्छे से, और अभी बिल्कुल मस्त धूप लग गई है। क्योंकि आजकल ठंडा हो रहा था, धूप अच्छा ही लग रहा है हम लोगों को भी। और देखते हैं हस्बैंड जी कब तक आते हैं मार्केट से, तब तक मैं कुछ बना लेती हूँ खाना वगैरह। तो ले चलती हूँ मैं आपको किचन की ओर। तो मैं जाती हूँ गाइस अभी नीचे। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो कमेंट ज़रूर करना, और आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, चाहे जैसी भी लगती होगी बताना ज़रूर। बाकी इधर साइड देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगा रखा, मतलब छोटा सा खेत है ना, तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है मूली राई, और नीचे पे छोटा सा दिख रहा होगा आपको, फोन अच्छा होता तो मैं दिखा देती आपको ढंग से। हाँ, तो वहाँ मैंने बो रखे हैं, जब हो जाएगा मैं आपको दिखा दूँगी। बाकी आपको लेके चलती हूँ मैं किचन की ओर। आज मैं क्या क्या बना रही हूँ, आज मैं बनाऊँगी शायद राजमा, तो आपको दिखाऊँगी। ठीक है, चलते किचन, किचन में चलते किचन में, आज बहुत काम है वैसे। तो दोस्तों, मैंने चूल्हे पे दाल रख दिया है, क्योंकि राजमा का दाल है ना तो ये पकने में लेट करेगा और चूल्हे में जल्दी से पक जाएगा, तो फिर मैं इसको गैस में फ्राई वो कर लूँगी, तड़का लगा के चावल रख दूँगी। दोस्तों, जब तक मैंने चूल्हे पे दाल रख दिया है, तब तक मैं थोड़ा किचन का काम भी कर लेती हूँ और इधर किचन भी साफ कर लेती हूँ। बाकी बाद में बाहर पे झाड़ू लगाती हूँ, मिलती हूँ मैं तब आपको। तो दोस्तों, यहाँ तक तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बाकी देख सकते हैं आप
का खाना खा लिया है और अभी शाम के बज रहे हैं, मतलब 2:30 बज रहे हैं, तो अभी हमारा चाय टाइम हो गया है। 4 बजने वाला है। मैंने सोचा 2:30 बज रहे क्योंकि हम मूवी देख रहे थे ना एक, और हस्बैंड जी बना के लाए काफी टेस्टी कॉफी, चाय भी खाए कॉफी है दोस्तों देख सकते हैं। तो अभी हम चाय का आनंद लेते हैं, कॉफी का आनंद लेते हैं, मस्त हो रहा है एकदम मस्त, कॉफी पीने आ जाओ रे। लग 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 कर आपने वीडियो में देखा होगा उसमें हमने मतलब थोड़ी खिड़की इधर उधर वो थोड़ा खड़ी हो रही थी छोटी छोटी, वो भी हमने साफ कर लिया है। बाकी आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने।